अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आप सबको खुश रखे। आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेजी बॉयल अंडों के साथ, बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 1 कप एंड 1/4 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया, थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ। तो अगर आप कम मिकदार में बनाना चाहें तो उसी तरह से आप इसको कम मिकदार में कर सकते हैं। तो वहाँ यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मिनट फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन आप देख सकते हैं, इस तरह मैंने 1-1 इंच के क्यूब की शक्ल में मैंने इसे काट लिया है। तो 3 पाव मैंने चिकन लिया है। अब हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। 5-6 मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर दाल मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून मिर्च का पाउडर, 1 1/4 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून खुश धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। तो दही मैंने लिया है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, ये भी साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से भून देंगे। पाँच मिनट के लिए मज़ीद मैंने इसको मसाले डालने के बाद भून लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिमला मिर्च। 4 अदद मैंने शिमला मिर्च लिया और आप देख सकते हैं इस तरह से कटी हुई क्यूब की शक्ल में, इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर भी मैंने 4 अदद इनको भी इस तरह कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, इसको भी इसी तरह से कट कर लिया है। तीनों चीज़ें 4-4 अदद हैं। 3 टेबल स्पून है सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून है सिरका और तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनका पेस्ट बना लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हम ऐड करेंगे और इसको भून लेंगे। 4 से 5 मिनट करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटो केचप। तो 4 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर टमाटो केचप ऐड किया है। ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद कवर करके हम इसको 2-3 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके मैंने इसको पका लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉयल किए हुए अंडे। उनको इस तरह से मैंने कट कर लिया है, 1 अंडे के तकरीबन 8-8 पीस किए हैं। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़े से हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निश के लिए। इनको मिक्स कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार सी जलफ्रेजी तैयार है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल SS कुकिंग एंड बेकिंग पर नए हैं तो मेरे चैनल SS कुकिंग एंड बेकिंग को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे।